भारत का एक ऐसा गांव जहां लोग केवल संस्कृत बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं पकार बुक का यूट्यूब चैनल। भारत की बात करें तो यहां लैंग्वेज, लोग, कल्चर, हर चीज की विविधता बड़े पैमाने पे देखी जाती है। और इसी कड़ी में एक एग्जाम्पल है भारत के कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा गाँव जहाँ का बच्चा बच्चा संस्कृत में बात करता है। आइए इस अनोखी मगर इंटरेस्टिंग जगह के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप पगार बुक को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। जैसा कि हमने बताया, ये जगह कर्नाटक के शिवमोगा जिले का मत्तुडु गांव है जहां लोग डेली बोलचाल की भाषा के तौर पर संस्कृत में ही बात करते हैं। इस गाँव का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसके द्वारा संस्कृत भाषा ही बोली जाती है। यहाँ इस भाषा का इस्तेमाल पुराने समय से ही हो रहा है। हालांकि यहाँ की मदर टंग कन्नड़ है, फिर भी यहाँ के लोग संस्कृत भाषा का ही यूज करते हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या फिर 80 साल का बुजुर्ग। इस गांव में अप्रोक्सीमेटली 537 फैमिलीज रहती हैं और तकरीबन यहाँ की आबादी 3000 के करीब है। इस गांव के इतिहास के तौर पर ये जानकारी मिलती है कि लगभग 600 साल पहले संकेती ब्राह्मण समुदाय के लोग केरला से आकर इस गांव में बसे और तब से लेकर आज तक वो यहां रह रहे हैं और ये जगह उन्होंने ही बसाई और सजाई है। यहां की सबसे अलग बात ये है कि जब यहां बच्चे 10 साल के हो जाते हैं तो उन्हें वेदों की जानकारी दी जाती है और ये बच्चे संस्कृत धड़ल्ले से बोलते हैं। पहले इस गांव के लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ ही थी जो कि साल 1981-1982 तक रही, लेकिन करीब 35 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृत भाषी गांव बनाने की कोशिश शुरू की और आज यहां लोग हर वक्त संस्कृत में ही बातचीत करते हैं। इस गांव की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहां जितने भी घर हैं, वहां की दीवारों पर भी संस्कृत ग्राफिटी बनाई गई है। आप अगर यहां पहुंचे तो आपको दीवारों पर पेंट किए गए प्राचीन स्लोगन्स दिखेंगे जो कि भारत के ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ के बच्चों के जिले के स्कूल्स में सबसे अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं। इस गांव के युवा फॉरेन कंट्रीज में इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टडीज के लिए जाते रहते हैं और यहाँ के हर फैमिली में कम से कम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशनल शामिल है। इस गांव का अपराध दर भी इंडिया के मौजूद अधिकतर गाँवों से कम है। आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि मत्तुडु गांव से थोड़ी दूर पर होसाहली नाम का भी एक गांव है जहां लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। हालांकि मत्तुडु में हर कोई संस्कृत में ही बात करता है। ये तो हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा के तौर पर सबसे पुरानी पहचान रखता है और आज जहां इस भाषा का इस्तेमाल बहुत सीमित हो रखा है, भारत का मत्तुडु गांव इसकी विरासत को संभाल कर रख रहा है। दुनिया में बोली जाने वाली कई भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है और भारत इसके लिए हमेशा से सम्मानित हुआ है। जाहिर है ऐसे में कोई एक ऐसा गांव जहां लोग संस्कृत में बात करते हैं एक अच्छा मैसेज देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? थी ना काफी इंटरेस्टिंग बात? तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पगार बुक को सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ, अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नमस्कार।